नमस्कार, आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में, जिसका उल्लेख शिव पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है। देखिए, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और आप क्या करते हैं, इधर उधर भटकते हैं कि उन समस्याओं का समाधान आपको कहीं से मिल जाए। मगर अगर आपने जो आपके घर में शिव पुराण या स्कंद पुराण रखी गई है, अगर आपने उसको सही से पढ़ा हो, तो आपके जीवन की आधी से ज्यादा समस्याओं का जो समाधान है वो आपको इन ग्रंथों में मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, ढंग से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे उपाय मिलेंगे और ऐसे ऐसे उपाय हैं जिनको करने से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। आज हम आपको उपाय भी बताएंगे कि आप कौन सी समस्या के लिए कौन सा उपाय कर सकते हैं। पहले आप जान लीजिए कि इसके पीछे की कथा क्या है, प्रदोष व्रत के पीछे की कथा। चलिए पहले जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत के पीछे की कथा क्या है। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला था, तो भगवान शिव ने उस विष को पीकर सृष्टि का विनाश होने से बचाया था। इस घटना के बाद सभी देवताओं और ऋषियों ने शिव जी की उपासना की और प्रदोष व्रत का पालन किया, जिससे शिव जी प्रसन्न हुए और सभी को वरदान दिया। अब इतने सारे देवता और ऋषियों ने जब लाभ उठाया प्रदोष व्रत का, तो आप क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप भी प्रदोष व्रत का लाभ उठाइएगा और साथ ही साथ जैसा जैसा हम बताएंगे वैसे अगर आप उपाय करेंगे, तो आपकी जो भी समस्या चल रही है जीवन में, उनमें आपको लाभ मिलेगा। और ये सभी उपाय शिव पुराण या स्कंद पुराण में वर्णित है। तो चलिए सबसे पहले अब आपको आगे बताते हैं कि प्रदोष व्रत का नाम क्यों रखा गया, प्रदोष कहां से आया। प्रदोष व्रत का नाम प्रदोष से लिया गया है, जो दिन के उस समय का प्रतीक है जब सूर्यास्त होने लगता है, जब सूर्यास्त के बाद और रात के आरंभ होने के बीच की अवधि होती है ना, उसको प्रदोष कहा जाता है। यानी कि सूर्यास्त हो रहा है और रात आरंभ होने वाली है, तो उस काल को कहा जाता है प्रदोष काल। और इस समय शिव की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, घर में धन आता है, समृद्धि आती है और सौभाग्य लाने में भी इसमें सहायता होती है। अब हम आपको बताते हैं कि प्रदोष व्रत के कितने प्रकार होते हैं। प्रदोष व्रत के प्रकार आपको जानना जरूरी है। पहला प्रकार है सोम प्रदोष। यदि प्रदोष व्रत सोमवार के दिन आता है तो उसको सोम प्रदोष कहा जाता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और जिसने व्रत रखा है उसको दीर्घायु और स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। दूसरा प्रकार है मंगल प्रदोष। जब प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन होता है तो उसे मंगल प्रदोष कहा जाता है। इसे करने से सभी प्रकार के भय, रोग और ऋण, यानी कि अगर आपने उधार लिया हुआ है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। तीसरा आता है शनि प्रदोष। ये व्रत शनिवार को आता है और इसे करने से शनि दोष और जीवन में तमाम विपत्तियां दूर होती हैं। वैसे तो एक और प्रकार होता है प्रदोष व्रत का, वो होता है महाप्रदोष व्रत। वो तब होता है जब प्रदोष व्रत शिवरात्रि के दिन पड़ रहा हो। तो चलिए अब बात करते हैं विधि की, किस प्रकार आप प्रदोष व्रत रखें, इसको हम जल्दी जल्दी बता देते हैं। अगर आप डिटेल पे इसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाकर आपको बताएंगे कि प्रदोष में कैसे व्रत रखना चाहिए। व्रत की शुरुआत में क्या करना है, व्रत रखने वाले व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में नहाकर स्नान करके शिव मंदिर जाना है और शिवलिंग का दर्शन करना है। पूजन के लिए क्या करना है, अब आप शिव मंदिर जाएंगे तो वहां पर पूजा करनी है, तो पूजा के लिए आपको बेलपत्र ले जाने हैं, धतूरे के फूल ले जाने हैं, शुद्ध घी, चंदन, धूप, दीप और फूलों का उपयोग करना है। विशेष रूप से बेलपत्र और धतूरा भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इस बात का ध्यान रखें, तो आप वहां पर इनको चढ़ाकर आएंगे। पूजा का समय भी जान लीजिए। प्रदोष व्रत की पूजा संध्या के समय यानी प्रदोष काल में की जाती है, जो सूर्यास्त के बाद का समय हमने आपको बताया था, उस समय आपको पूजा करनी है। भगवान शिव की आराधना भी करें। जो व्रती है यानी कि जिसने व्रत रखा है, व्रती को शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाना चाहिए और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद शिव जी की आरती करना बहुत अनिवार्य है। आप वो करेंगे तो निश्चित तौर पे जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। व्रत का समाप्त कैसे करना है वो भी जान लीजिए। जिसने व्रत रखा है वह अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा करके व्रत का समापन करेगा। इस प्रकार आप प्रदोष का व्रत रखेंगे। अब जानेंगे कि उपाय कौन कौन से करने हैं और किस समस्या में कैसे लाभ पाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो शिव महापुराण में भी आपको उल्लेख मिलेगा, जिनका वो उपाय हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पारिवारिक जीवन में कलेश रहता है, ऐसे लोगों को शनि प्रदोष जो हमने आपको प्रकार बताए थे उनमें से एक है शनि प्रदोष। ऐसे लोगों को शनि प्रदोष पर दही में शहद मिलाकर भगवान शिव को उसका भोग लगाना चाहिए, दही में शहद मिलाकर। तो इससे क्या होगा, ऐसा करने से घर का कलेश समाप्त होगा, गृहस्थ जीवन में शांति और प्रेम का आगमन होगा। दूसरा उपाय, यदि आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है और आप उससे उबर नहीं पा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसके आगे, तो शिव जी का उपाय करिए। उसमें क्या करना है, आपको शमी पत्र को गंगा जल से धोकर
शिवलिंग पर चढ़ाना है और इसके बाद वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है, तो आप देखेंगे निश्चित तौर पे बड़े से बड़े शत्रु भी आपके आगे झुक जाएंगे। तीसरा उपाय बताते हैं, शिव महापुराण में बिजनेस से ग्रोथ के लिए, यानी कि आप व्यापार कर रहे हैं और उसमें ग्रोथ पाना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, वृद्धि पाना चाहते हैं, तो उसका भी उपाय बताया गया है। इसके लिए प्रदोष के दिन शाम को रंगोली वाले 5 अलग अलग रंग ले लीजिएगा। इसके इनकी मदद से शिव मंदिर में एक गोल फूल वाली रंगोली बनाएं। इस रंगोली के बीचों बीच देसी घी का दीपक जलाएं। अब हाथ जोड़कर महादेव का ध्यान करें, उनसे बिजनेस को बढ़ाने की प्रार्थना भी करें, यानी कि जो व्यापार आप में व्यापार में वृद्धि आप चाहते हैं उसके लिए आप प्रार्थना करें। इस उपाय से रुका हुआ बिजनेस भी चलने लगता है। अब एक और उपाय जान लीजिए, जिन लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है उन्हें शिवजी का टोटका करना चाहिए। साफ साफ बता रहे हैं इसके लिए क्या करना है। इसके लिए प्रदोष के दिन शाम को शिव मंदिर में जाकर भगवान को सूखा नारियल चढ़ाएं। इसके बाद भोलेनाथ से अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। इस शिव पुराण में के उपाय को करने से स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। तो ये उपाय आप करके देखें, निश्चित तौर पर आपके जीवन की जो भी कठिनाई चल रही है, समस्या चल रही है, उनमें आपको लाभ मिलेगा। और ये उपाय आप देखिए, आपको करना क्या है, आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, इसकी वजह से YouTube हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाता है। तो आप वीडियो को लाइक भी करा करें और शेयर भी करा करें, और यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भविष्य में हम आपके लिए ऐसे ही अद्भुत उपाय लाते रहेंगे। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से फायदा क्या होता है आप वो जान लीजिए। टेलीग्राम पर देखिए, टेलीग्राम पर हमारे काफी सारे, ये हमारा ग्रुप है टेलीग्राम का, इसमें देखेंगे काफी लोगों को लाभ मिलता है, इनको हम अलग अलग चीजें भी इसमें शेयर करते हैं लोगों से। हमारे ग्रुप का नाम है कागज पर टोटके, आपको दिख रहा है, यही ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, जिसमें 1900 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। यहां तक वीडियो देखा आपने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।